हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज के क्लास में मेनली हम लोग अगर एक आदमी लिफ्ट के अंदर होता है तो उसका वेट या फिर उसका अपेरेंट वेट कितना होगा इसके बारे में हम लोग कुछ इक्वेशन से इसका अपेरेंट वेट निकालेंगे। या फिर अगर कोई आदमी एक लिफ्ट के अंदर है और अगर ये लिफ्ट चलने लग गया, दैट मीन्स या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तब उसका अपेरेंट वेट क्या होगा, आइए हम लोग आज देखते हैं। तो सपोज फर्स्ट केस हम लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे एक लिफ्ट है, ओके, और ये लिफ्ट के अंदर एक आदमी है। सपोज दिस इज अ मैन, ओके ओके। नाउ ये मैन का वेट ऑलवेज नीचे की तरफ होता है, जो है एम जी। अगर मैन का मास एम है तो सपोज ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन ए, तो ये जो लिफ्ट का फ्लोर है, फ्लोर से रिएक्शन मिलेगा ये मैन को, और ये रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ आर, हम लोग आर, इसी आर को हम बोलेंगे अपेरेंट वेट, ओके। तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये अपेरेंट वेट का। जनरली अपेरेंट वेट का हम लोग जो इस तरह का हम लोग जब प्रॉब्लम करते हैं तब हम लोग मोशन की डायरेक्शन को डायरेक्शन से इक्वेट करते हैं, एक्चुअली मोशन की डायरेक्शन। दैट मीन्स ये लिफ्ट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये इक्वेशन आ जाएगा एम इंटू ए इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। अभी ये मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, रिएक्शन माइनस नीचे की तरफ माइनस एम जी। दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं कि इसको जस्ट इक्वेट कर देते हैं, दैट मीन्स ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, एम ए प्लस आर इक्वल टू एम जी, ओके। ये गलत है, ओके हम लोग इस तरह से नहीं इक्वेशन लिख सकते। ये तब होगा जब ये पूरा रेस्ट में होगा, तब ऐसा इक्वेशन हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन को इक्वेट करना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है। अभी यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, दैट विल बी, अगर हम एम कॉमन ले लेते हैं ए प्लस जी, दैट मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन एम जी के साथ, आप देखिए पहले वेट था एम जी, अभी उसके साथ एम ए प्लस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन है ये इंक्रीज इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो आदमी है, मैन है, उस मैन का वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर। अभी हम लोग सेकेंड कंडीशन डिस्कस करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, सपोज ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन ए, सेकेंड कंडीशन। अभी सिमिलर वे में हम लोग इसको इक्वेशन लिखेंगे, एम ए इक्वल टू नीचे की तरफ क्या है एम जी, एम जी ऊपर की तरफ क्या है, रिवर्स डायरेक्शन माइनस आर, ओके। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तब ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग बोलेंगे अपेरेंट वेट, ओके। तो ये अपेरेंट वेट क्या हो रहा है, अपेरेंट वेट डिक्रीज कर रहा है, आप देखिए एम जी से एम में माइनस हो रहा है, पहले वेट था एम जी जब ये स्टैटिक रेस्ट में था, अब ये मोशन के कारण माइनस हो रहा है एम ए, तो ये अपेरेंट वेट डिक्रीज कर रहा है, अपेरेंट वेट डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। अभी सपोज और एक कंडीशन हम लोग पकड़ लेते हैं कि थर्ड कंडीशन, सपोज इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, अभी क्या आ जाएगा अपेरेंट वेट। अभी आप देखिए दैट मीन्स ये लिफ्ट चल नहीं रहा है, लिफ्ट एक ही जगह पे है, ओके, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, अभी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। अभी हम लोग इजीली इक्वेट कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे दो ही फोर्स है, रिएक्शन इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट, ये क्या आ जाएगा अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट
will be equal to actual weight. Actual weight जो normal case में होता है, ठीक है, actual weight apparent weight के समान हो जाता है. अभी fourth condition हम लोग discuss करेंगे. Suppose यहाँ पे जो acceleration हो रहा है, fourth condition, यहाँ पे जो acceleration हो रहा है ये equal to g के समान हो रहा है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है. दैट मीन्स हम लोग इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ये लिफ्ट g के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है. दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल. फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, ये लिफ्ट, इसके अंदर एक आदमी है. अभी रिएक्शन तो ऊपर की तरफ रहेगा और mg इस तरफ. अभी हम लोग इसको इक्वेट करते हैं एम ए, दैट मीन्स एम ए इक्वल टू एम जी. दैट मीन्स एम जी इक्वल टू नीचे की तरफ कौन सा है, एम जी माइनस आर. ओके, तो आर इक्वल टू और आर इक्वल टू एम जी माइनस एम जी. दैट मीन्स रिएक्शन कितना हो जाएगा, इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा. वेट कितना हो जाएगा, अपेरेंट वेट हो जाएगा जीरो. इसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे वेटलेसनेस, ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग वेटलेसनेस हम लोग बोलेंगे. क्लियर? तो ये कुछ इक्वेशन था लिफ्ट के अंदर किस तरह से इक्वेट करते हैं. ये है एक्चुअल प्रोसेस इक्वेशन बनाने का. अभी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल टाइप या फिर यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ पे आप लोग बॉक्स से रिप्लेस कर सकते हैं और इस तरह से कॉम्पोनेंट में डिवाइड करके, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन में आएंगे तो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करके हम इक्वेट कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट प्रोसेस.